तहलका केस की पीड़िता ने अपनी शिकायत को चुनाव से पहले की राजनीतिक साजिश बताने के आरोपों का खंडन किया है। पीड़िता ने कहा है कि तेजपाल ने उनके साथ जो कुछ किया वो बलात्कार की कानूनी परिभाषा के दायरे में आता है। यह भी जोड़ा कि राजनीति से जुड़े लोग अपनी सोच का दायरा बढ़ाएं। मेरे केस पर सियासत ना हो। पिछले एक पखवाड़े से जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उससे मैं खुश हूं, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान हूं कि मेरी शिकायत चुनाव से पूर्व सियासी षड्यंत्र का हिस्सा बनती जा रही है। मेरी सभी राजनीतिक दलों से गुजारिश है कि जेंडर, पावर और हिंसा के नाम पर इस मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करें। तेजपाल ने मेरा रेप किया। पिछले एक हफ्ते से टीवी कमेंटेटर्स ने यौन शोषण से पहले और बाद के मेरे क्रियाकलापों और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। कुछ ने सवाल किया कि मैंने शिकायत दर्ज कराने में देरी क्यों की, और कुछ यौन उत्पीड़न और रेप जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर सवाल खड़े करते रहे हैं। मेरे लिए सबसे दुखद पहलू शब्दों के इस्तेमाल का हो रहा है। मैं शायद खुद को बलात्कार पीड़िता कहलाने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे सहकर्मी, दोस्त, समर्थक और आलोचक भी शायद इसके लिए तैयार ना हो, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पीड़ित अपराध की कैटेगरी नहीं बताता, बल्कि ये कानून करता है। मेरे केस में भी कानून बिल्कुल स्पष्ट है। मिस्टर तेजपाल ने जो मेरे साथ किया वो कानूनी रूप से रेप की श्रेणी में आता है। मैं सम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मिस्टर तेजपाल की तरह मेरे पास ज्यादा साधन नहीं है। मेरी माँ ने अकेले अपने सीमित आय से मुझे बड़ा किया। मेरे पिता की तबीयत पिछले कई साल से ठीक नहीं है। मिस्टर तेजपाल के लिए ये सिर्फ अपनी संपत्ति, हैसियत और विशेषाधिकार को बचाने की लड़ाई है, लेकिन मैं आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हूँ। मैं अपने उस अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ जिसके तहत मेरा शरीर मेरा अपना है, ना कि मेरे एम्प्लॉयर की जागीर। यौन शोषण की शिकायत दर्ज करके ना सिर्फ मैंने अपनी नौकरी खो दी, बल्कि अपनी मर्जी से सैलरी खर्च करने की स्वतंत्रता और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी गवा दी। मैंने खुद को निजी हमलों और भद्दे बयानों का सामना करने के लिए तैयार कर लिया है। मेरे लिए ये लड़ाई आसान नहीं है। आधी आबादी की तकलीफ ये है कि अगर आप उस हिस्से से ताल्लुक रखते हैं समाज के, तो हर एक स्तर पर, स्कूल जाते हुए, कॉलेज में, नौकरी के दौरान और फिर दुनिया के जिस भी तरह के तस्वीर आप कर सकते हैं उम्र के पड़ावों की, हर तरफ आपको इन चीजों से दो चार होने की नौबतें नजर आएंगी। क्या प्रियदर्शनी ये बात सच है? और क्या ये भी सच है कि बहुत जगहों पर मर्यादाओं की वजह से, डर की वजह से, खौफ की वजह से या तमाम दूसरी वजहों से लोग चुप हैं? वरना ये बहुत बड़ा तबका है जो पीड़ित है, और वो बहुत सारे लोग हैं जो इन्हीं में से हैं, लेकिन बस फर्क इतना है कि वो पकड़े नहीं गए। देखिए, मैं तो मीडिया में हूँ और मुझे लगता है कि समाज का स्तर जो है वो बहुत गिर चुका है, बहुत ज्यादा गिर चुका है, जहाँ पे रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, जहाँ पे हमारे घर में ही बहू बेटियों की लाज नहीं रखी जाती है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, मेंटली, फिजिकली, मॉरली। तो हम समाज की बातें करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें करते हैं, वो सारी बातें कहाँ चली जाती हैं? ये हिपोक्रेसी है हमारे समाज की, जहां पे एक तरफ हम लोग बेटियों के बारे में बात करते हैं, वहीं पे हम लोग बेटियों की भ्रूण हत्या करते हैं, उनकी उनकी इज्जत लूटते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं। ये हिपोक्रेसी क्यों है? क्या ये हमारी तरबियत में किसी बड़े नुक्स की तरफ इशारा है या कुछ और? एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, चर्चा जारी है। तरुण तेजपाल पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच के दफ्तर से बाहर आते हुए अब से बस चंद लम्हों पहले की ये तस्वीरें, जबकि तरुण तेजपाल बाहर निकले और शायद वो पूरी तरह से मन बना चुके हैं, उनको मालूम है, और क्योंकि वो खुद मीडिया में रह चुके हैं, उनको पता है कि मीडिया इस तरह के मामलों में पीछे पड़कर कैसे सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश में कई बार बहुत तल्ख और नागवार भी होता है, लेकिन ऐसे में कैसे चुप्पी साधे रहना है, कैसे भड़कना नहीं है, आक्रोश में नहीं आना है, वरना बिगड़ी हुई चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। ये तरुण तेजपाल
शायद इस वक्त किसी संयम का और समझदारी का परिचय दे रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच के दफ्तर में क्या पूछताछ हुई, क्या उन्होंने स्वीकार किया, क्या उन्होंने कन्फेस किया और अब आगे वाले दिन उनके लिए कैसे हैं, इसी सब पर अभी चीजें केंद्रित हैं।